आपको एक पेड़ और दिखा देता हूँ, मजे का पेड़ है ये रहे। अच्छा, पार ब्लू ओपलाइन तेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है और उसके साथ लगा हुआ है पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट तेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट की फीमेल है, ये ब्रीडर पेड़ है। इसमें से एक विजुअल बच्चा भी आया था, पार ब्लू डाइल्यूट ओपलाइन तेल फेलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं आदिल भाई के सेटअप में मौजूद हूँ और माशाल्लाह से इन्होंने 100 के करीब पेड़ लगाए हुए हैं और तकरीबन ज़्यादातर जो है कमर्शियल बर्ड्स हैं। और ये कि मुख्तलिफ सेटअप में विजिट करने का इस टाइम पर मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कौन कौन से ब्रीडर जो है क्या क्या अपने सेटअप पर लगा रहे हैं, इन फ्यूचर जो अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो कौन से बर्ड की ब्रीड आपको वो जो है ज़्यादा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हो अरसलान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं आदिल भाई, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड के अंदर? तकरीबन मेरा ये सेकंड सीजन चल रहा है, दो साल हो गए। तो कौन कौन से बर्ड ज़्यादातर आपने लगाए हैं? कमर्शियल ही है तकरीबन, क्रीमिनो हो गए, डेकिन हो गए, अल्बाइनो रेडाई हो गए, अल्बाइनो स्प्लिट्स हो गए, अभी कुछ पार ब्लू ओपलाइन पेल फेल स्प्लिट डाइल्यूट्स के मैंने कुछ इतने से इंटर किए हुए कुछ बर्ड्स हो गए। तो अगले सीजन में ये हमारे जो होगा कुछ पेल फेल भी ये कोई वराइटीज वगैरह होंगे हमारे साथ। ठीक है, ये कि तकरीबन ये पूरा जो पोर्शन है इनके पास लगाया हुआ है, अलग अलग रूम में आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं, तो ये कि सारे बर्ड ब्रीडर हैं या कुछ अभी सीजन में रोके भी था आपने? इसमें से पिछले साल के कुछ बर्ड ब्रीडर भी थे, तकरीबन कोई 20 के करीब ब्रीडर पेड़ थे ना, कुछ उनके चेक्स आ गए, कुछ मैंने उनको होल्ड किया, मजीद परचेजिंग किए, तो अभी तकरीबन कोई 100+ पेड़ लग गए माशाल्लाह। ठीक है, तो इस सीजन तकरीबन 100 के 100 पेड़ ब्रीड करेंगे? जी इंशाल्लाह 100 से अबव होंगे इंशाल्लाह। और लास्ट ईयर कितने पेड़ थे तकरीबन? 20 पेड़ लास्ट 20 पेड़ थे, तो 80 से ज़्यादा पेड़ आपने इस सीजन में जमा कर दिए। ठीक है, तो लास्ट सीजन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ 20 पेड़ से, अर्निंग वगैरह हुई नहीं हुई? उसमें तो कुछ बर्ड्स मैंने सेल भी किए, तकरीबन कोई अराउंड कोई 4-5 लाख रुपए के बर्ड्स मैंने सेल किए और तकरीबन कोई 80-90 के करीब पट्टे मैंने घर के लिए रोक लिए जिसमें से क्रीमिनोज वगैरह थे और अल्बाइनो रेडाइज वगैरह ज़्यादा थे। ठीक है, तो जैसे कि अभी सीजन स्टार्ट होगा तो किसी दोस्त को अगर कोई बर्ड्स वगैरह रिक्वायर्ड हो तो आपसे मिल जाएंगे? जी जी मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर कोई भी कमर्शियल बर्ड्स हो चाहे अल्बाइनो ब्लैक आईज से लेके पार ब्लू ओपलाइन पेल फेल हो तो वो सब यहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। ठीक है, अपनी लोकेशन और नंबर आप बताएं, लोकेशन क्या है? ये गुलशन सिकंदराबाद उमर फारूक रोड एक सेमाड़ी और हमारे से शिरिंजना कॉलोनी तकरीबन कोई 0.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और नंबर आप अपना बताएं? 03126767775। ठीक है, तो चले गाइस आपको पहले सेटअप का ओवरव्यू दिखा दें, कैसा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि माशाल्लाह साफ सुथरा सेटअप है और कौन कौन से बर्ड्स इन्होंने लगाए हुए, तो चले सेटअप पे चलते हैं। तो ये सबसे पहले आपको रूम दिखा रहे हैं आदिल भाई का, माशाल्लाह आप सफाई देख सकते हैं, बाकी सारे रूम से जो है फैंस लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, वेंटिलेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अरसलान भाई। सही, ये सारे क्रीमिनो और डेकिनो के पेयर्स लगा हुआ है, ये अल्बाइनो रेडाइज है और डेकिनो। मैं सारा पहले ओवरव्यू दिखा देता हूँ, सारे बर्ड मार्केट से लगे हुए। अच्छा, केज साइज का दिया हुआ आपने? जी केज साइज का 3x1.5x1.5 3x1.5x1.5 सही है जी। सबसे पहला पेयर यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये डेकिनो टू अल्बाइनो आपने लगाया हुआ है? जी। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर कमर्शियल बर्ड्स रखने की क्या वजह है? कमर्शियल बर्ड्स रखने की वजह है क्योंकि मैं शुरू में न्यू फैंसियर था ना, ताकि मुझे ये लगे कि मुझे सेल करने में आसानी हो, तो जैसे ही मेरा तकरीबन 1 साल गुजर गया तो मुझे आसानी हो गई कि हाँ यहाँ पे हर बर्ड सेल हो सकते हैं आराम से, तो फिर मैंने कमर्शियल पे ही ज़्यादा काम किया। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आपको याद हो शेख साहब ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी वो ब्लूटूथ के हवाले से, पेल फेल हो गए पॉसिबल ब्लूटूथ, तो ये मेरे पास एक विजुअल ब्लूटूथ है। सही, ये विजुअल ब्लूटूथ है, उसके साथ लगा हुआ है पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो। सही, ये ब्लूटूथ है पेल फेलो का ओपलाइन और उसके साथ लगा हुआ है पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो। अच्छा जी, यहाँ पे लगा हुआ है पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो और विजुअल जो ऑपलाइन है वो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ पेल फेलो स्प्लिट पेल फेलो। तो इसमें किस किस्म के चिप्स आते हैं? इसमें से तकरीबन हमारे पास आएंगे अपना ब्लूटूथ के आएंगे, पेल फेलो ब्लूटूथ के आएंगे, जितने भी ब्लू बर्ड्स आएंगे वो सारे ब्लूटूथ होंगे, कंफर्म पेल फेलो होंगे, स्प्लिट पेल फेलो। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और कौन कौन सी पेयरिंग आपने की हुई? यहाँ भी माशाल्लाह पेल फेलो लग रहे हैं मुझे। जी ये पेल फेलो है जी, अपना ये पेल फेलो ब्लू ओपलाइन पेल फेलो और उसके साथ जो लगा हुआ है पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल पे। अच्छा जी, तो ये अभी फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा? जी ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा।
देख सकते हैं माशाल्लाह, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो इनटू पावर ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, ये भी जी स्प्लिट पेल फेलो ठीक है माशाल्लाह से। यहाँ पे अल्बाइनोज भी लगे हुए ऊपर, जी अल्बाइनोज भी लगे हुए। और आपको एक को आपको एक पेयर और दिखा देता हूँ, मजे का पेयर है ये रहे। अच्छा पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट डायलूट का मेल है और उसके साथ लगा हुआ है पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डायलूट की फीमेल है। ये ब्रीडर पेयर है, इसमें से एक विजुअल बच्चा भी आया था पार ब्लू डायलूट ऑफलाइन पेल फेलो। सही जी, इसकी वर्थ नेट भी अगर शेख साहब ने खुद भी बताया था, अगर उसकी वर्थ करे तो डन फेलो और पार ब्लू डायलूट ऑफलाइन पेल फेलो का जो मार्केट रेट है इंटरनेशनल मार्केट वो सेम ही है। सही, तो ये एक समझो के नेक्स्ट वर्किंग के लिए यानी के अगले मरहले के लिए एक पेयरिंग मैंने तैयार किया। सिक्स निकला था वो एक्सपायर हो गया? नहीं वो एक्सपायर नहीं होगा, वो मेरे उस्ताद के पास ही है जो अभी रिसेंटली आप लोग देखा था मोहम्मद अवैध लियाज ने फेसबुक पे लगाया था पार ब्लू डायलूट ऑफलाइन पेल फेलो का एक चिक था, वो इन्हीं का यही है। अच्छा ये एक मेल है, इसके साथ ये फीमेल है और इसकी एक फीमेल ये रही है सलान भाई ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ पेज नंबर 21 पे ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल से, ये एक मेल के साथ दो फीमेल थे। अच्छा जी, बाकी तकरीबन इस सारे पोर्शन के अंदर कमर्शियल पेयर्स लगे हुए डेकिनो टू अल्बाइनो क्रीमो टू अल्बाइनो सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे लगे हुए ये देख सकते हैं, क्योंकि सारे सेम बर्ड से कलर हैं सेम बर्ड हैं, तो आपको मैं आपको बाहर बैठ के दिखा दूँ। बाकी ब्लू टू वर्किंग का पेयर लगाया हुआ क्रीमो टू क्रीमो जी, मेरे पास तकरीबन कोई 12 चिक्स अभी इस सीजन में लग जाएंगे जो पॉसिबल ब्लू टू होंगे क्रीमो टू क्रीमो से निकला हुआ। अच्छा माशाल्लाह से इस सीजन में आपको कंफर्म पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और एक ये कंफर्म ब्लूटूथ का मेल है और उसके साथ क्रीमिनो की फीमेल लगाइए, इनमें से जो भी ब्लू फिशरी और अल्बाइनो रेड एज निकलेंगे वो कंफर्म ब्लूटूथ होंगे। अच्छा माशाल्लाह से आपने ब्लूटूथ क्रीमिनो के साथ लगा दिया जी, इसमें जो भी सिंपल बर्ड आएंगे वो कंफर्म ब्लूटूथ होंगे जी, अल्बाइनो रेड एज और अपना ब्लू फिशरी और साथ में ये एक फीमेल है वायलेट पार ब्लू की, उसके साथ मैंने लगाया था पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल वो रहे ब्लूटूथ के साथ जो लगाया था। यहाँ पे तकरीबन आपको ऐसे दिखाई देंगे कि एक मेल के साथ दो फीमेल चलते रहते। अच्छा मतलब फीमेल आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केजेस में रखी है, वो मेल वहाँ से फ्री होगा फिर आप फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे इसके साथ ब्लूटूथ के साथ मैंने क्रीमिनो की फीमेल फोर लगाई है केज नंबर 15 पे, वहाँ पे प्रॉपर बाउंड होके मैंने मेल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह जी आपकी रूम काफ़ी बड़ा भी है, वेंटिलेशन भी अच्छी है, तो कूलर जो है तकरीबन 24 घंटे चल रहा है? नहीं, सुबह 10 बजे लेबर यहाँ पे अपना ऑन कर देते हैं और रात को 5-6 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर अच्छा एक और बात, जैसे कि आपने भी बताया था लास्ट टाइम सीजन में आपने तकरीबन 2-3 लाख रुपए अर्न किए बर्ड्स की फीस, 3-4 लाख रुपए अर्न किए थे, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट आपने अपनी जेब से क्यों किया? मुझे काम करने का एक मजा आया, मैंने शुरू में कम इन्वेस्ट किया था, मैंने कहा कि काम कैसे मुझे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, जब मैंने काम को सीखा और रेडई के रेडई मैंने लगाए और उनमें से बच्चे भी सर्वाइव हो गए मेरे साथ, तो मैंने कहा कि काम को मजीद बढ़ाया जाए। सही, तो मतलब अभी इतनी ज़्यादा अर्निंग इस फील्ड से नहीं हासिल किया आपने, ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन इतनी अर्निंग नहीं की? जी जी, मैंने अभी इंशाल्लाह इस साल जितने भी चिक्स आएंगे वो सब आपके व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा और कौन से पेयर आप अपने दिखा रहे हैं? ये सारे यहाँ पे कमर्शियल पेयर है, बाउंडेड पेयर है सारे अल्बाइनो, माशाल्लाह साइज आप देख सकते हैं क्रिमिनो का, ये क्रिमिनो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है क्रिमिनो टू अल्बाइनो ब्लैक आई आपने लगाया हुआ है? जी जी। अच्छा ब्लैक आई ये नॉर्मल ब्लैक आई स्प्लिटिनो है सादा? जी जी, ये स्प्लिटिनो है। यहाँ पे आपको दिखा देते अच्छा कमर्शियल बर्ड तकरीबन कितने पेड़ आपने लगाए हैं? तकरीबन कोई 98 पेड़ थे कमर्शियल। 98 पेड़ कमर्शियल, बाकी और म्यूटेशंस या पेल फेलो वगैरह कितने पेड़ हैं? बाकी पेल फेलो उसके कुछ तकरीबन कोई 8-9 पेड़ पेल फेलो उसके, और इसके अलावा कोई और ऑफलाइन पेल फेलो उसके जी, बाकी ऑफलाइन वगैरह ये चीज नहीं लगाई हुई? नहीं नहीं, ऑफलाइन चीज नहीं लगाई हुई। अच्छा ये क्या आदिल भाई, तकरीबन अभी मौसम थोड़ा बेहतर है तो बॉक्सिंग वगैरह कब तक आप इंस्टॉल कर देंगे केजी में? अभी तकरीबन कोई अगस्त में मेरे लोडिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, तकरीबन 13 डेज का 30 दिन का लोडिंग पीरियड होगा, जो 100 फूड्स वगैरह बर्ड को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद जाके सितंबर के एंड में जाके बॉक्स लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी कोई कैल्शियम वगैरह यूज़ करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं, जैसे ही आखिरी डब्बा उतर गए 100 फूड्स वगैरह सारे बंद हो गए, जो सीड मैं यूज़ करा रहा हूँ मुझे पता है कि मेरे सीड्स का प्रोटीन लेवल क्या है, 30% मेरे सीड का प्रोटीन लेवल से, और मैं सीड यूज़ करा रहा हूँ और हफ्ते में 2 दिन स्पार्क यूज़ करा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करा रहा हूँ तमाम बर्ड्स को। अच्छा बॉक्सिंग अभी देखिए मैं महीने के बाद बॉक्सिंग लगा देंगे? तकरीबन महीने के बाद लग जाएगा, अगस्त में लोडिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, सितंबर में इंशाल्लाह बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे।
ठीक है। अच्छा ठीक है, पहला रूम था जो कि यहाँ पे, इस रूम का टोटल कितने पेड़ हैं? इस रूम में तकरीबन कोई 40 के करीब पेड़ 40 पेड़ हैं। अच्छा जी, इसके आगे वो सामने जो आपको रूम दिख रहे हैं वहाँ भी बर्ड लगे, वो आपको अभी दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी कि हम दूसरे रूम में आ गए, यहाँ पे माचले थे 5 पोछने वाले केजेस यहाँ पे लगाए हुए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। डेली साफ करते हैं क्या, एक दिन में 2 दफ़ा? नहीं, यहाँ पे डेली झाड़ू लगते हैं, डेली सफाई सफाई होती है यहाँ की। ठीक है जी, यहाँ भी माचले थे जो है पेड़ लगे हुए, और तकरीबन ये भी अच्छा सिंगल पीस है, इसके साथ भी और नहीं लगा हुआ जी? इसके साथ अभी और लगेगा, अल्बाइनो ब्लैक का स्प्लिट रेड आई का लगेगा इसके साथ। ठीक है जी, माशाल्लाह से यहाँ पे देखें, यहाँ भी जो है क्रीम टू अल्बाइनो ब्लैक का ही लगा हुआ है। अच्छा, रेड आई टू रेड आई आपने कभी कम लगाया हुआ है? हाँ, रेड आई टू रेड आई जो पिछले ब्रीडर पेड़ थे मेरे 20 के करीब, वो अभी तक उसी हालत में लगे हुए जिस तरीके से लगा हुआ है। सही, यहाँ भी माशाल्लाह से देख सकते हैं क्रिमो के साथ अल्बाइनो ब्लैक ही लगा हुआ है, यहाँ भी यही है कि क्रिमो के साथ जो है अल्बाइनो ब्लैक ही लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि भाई जो सारे पीसीज हैं ये अपने आपने घर की होल्ड रोके हुए? तकरीबन कोई 80 के 90 पीस जो है ना वो मैंने घर के होल्ड किए हुए हैं। सारे क्रिमो डेकिनो, सारे क्रिमिनो, बाहर की कोई परचेजिंग नहीं की? बाहर अल्बाइनो ब्लैक आइस की परचेजिंग की थी, जो मेरे पास पिछले साल बिल्कुल नहीं थे, एक पीस भी नहीं था अल्बाइनो ब्लैक आइस के। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पर भी जो है सारे के सारे कमर्शियल बर्ड्स लगे हुए हैं। तो तकरीबन इस कमरे में भी तकरीबन कोई 45 प्लस पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। 45 पेड़ लगे, मतलब तुम्हें केजेस खाली में भी पेड़ अभी डालने? नहीं, ये मैंने चिक्स के लिए छोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि चिक्स आज चिक्स को हम लोग बड़े केज में नहीं छोड़ सकते, फ्लाई केज में, तो मैंने चिक्स के लिए छोड़ा। अच्छा, इस केज का साइज भी वही है? नहीं, इसका ये अपना 1.5 फिट इसका फ्रंट है, 2.5 फिट इसका डीप है, और अपना 18 इंच इसका हाइट है। सही, फ्रंट पे बॉक्स लग जाएगा? जी, फ्रंट पे बॉक्स लग जाएगा। सही, यहाँ पे अच्छा मिक्स दाना मैं आपका देख रहा हूँ, फिर नॉर्मल मोटी कन्नी बारीक कन्नी यूज़ करवा रहे हैं, कनेरी सीड वगैरह? जी, इसमें कनेरी सीड तकरीबन कोई 7 केजी दाने में मेरा 15 केजी कनेरी सीड चलते हैं गर्मी का। सही, बाकी नॉर्मल मोटी कन्नी, बाकी नॉर्मल कन्नी हो गया, मोटी कन्नी, बारीक कन्नी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या जी भाई, अभी आप मुझे बता रहे थे कि तकरीबन सारे के सारे चिक्स मैंने लिए इस सीजन में अपने पास होल्ड किए, इनको अपने घर पर ही जवान किया, तो शुरू में स्टार्ट भी आपने ब्रीडर पेड़ लिए थे, चिक्स ही लिए थे? जी, स्टार्ट का तो यही कहानी है कि स्टार्ट में मैंने कुछ 3 ब्रीडर पेड़ लिए थे, मेरा यही सोच था, कुछ मेरे रिलेटिव थे उसने मुझे कहा था कि आप ब्रीडर पेड़ ले रहे तो ये कि आपके 2-2.5 माह बाद जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया ना वो रिकवर हो जाएगा, तो मैंने ब्रीडर पेड़ लिए और कुछ 2 क्रिमिनो के पट्टे लिए। जो ब्रीडर पेड़ थे उनको मैंने 6 महीने ब्रीड कराया, उसने कोई मुझे चिक्स वगैरह नहीं दिए, ना कोई एग्स वगैरह आए, तो उनको मैंने सेल कर दिया। जो बाकी 2 क्रिमिनो के पीस थे मेरे पास जो मैंने छोटे लिए थे, तो अभी भी मेरे साथ ब्रीड हो रहे, तकरीबन 2 साल से ब्रीड हो रहे, 25 के करीब मैंने उनसे कुछ बच्चे लिए। तो मैं आपके व्यूअर्स को भी यही कहूँगा, जब भी आपको अगर कोई बर्ड वगैरह लेने तो कोशिश करें कि आप लोग चिक्स लें, चिक्स ले, उनको 6-7 महीने पाले, उनको जाके ब्रीड में लगाए, तो आपको एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट देगा। अच्छा, ये क्या दिन एक और बात है, जैसे कितने सारे बर्ड लगे हैं आपके पास, अगर कोई भी खुदा ना करता बर्ड बीमार हो जाए तो सोचो आपको पता कैसे चलता है? अच्छा, हमें डेली चेक करते हैं आप ट्रे वगैरह? हाँ, ट्रे से हमें पता लग जाता है कि हमारे बर्ड्स को क्या मसला मसला है, अगर उनके ड्रॉपिंग्स नॉर्मल हो और बर्ड्स आपके नीचे भी बैठ रहा हो, पूल के बैठ रहा हो, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है इसका ड्रॉपिंग्स, आपने ड्रॉपिंग्स को कैसे चेक कर लें? कल रात को मैंने एक बर्ड सेपरेट किया था जिसको था बैक्टेरियल इन्फेक्शन, तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं वो दिखा देता हूँ कि नॉर्मल ड्रॉपिंग कैसे होते हैं और जो इन्फेक्शन होते हैं बर्ड्स को जो मसला मसाइल होता है उनके ड्रॉपिंग्स कैसे होते हैं, ये रहे पेज नंबर। तो इनसे मैंने एक डेकिनो कल रात को अलग किया और ये अल्बाइनो रेड आइस का पीस है ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीस नॉर्मल है अल्बाइनो रेड आइस का, ये आप अपने व्यूअर्स को दिखा दें, ये रहे, ये जो पीस है ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, बिल्कुल सही है, ये इनके ड्रॉपिंग्स है, ये सारे ड्रॉपिंग्स नॉर्मल है, ये ड्रॉपिंग नॉर्मल है। जो कल रात को मैंने पीस सेलेक्ट किया था वो रही है, उनको इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, तो उनमें से हम कुछ मेडिसन वगैरह यूज़ कराते हैं, हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, तो बट माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अच्छा, क्या यूज़ करवाते हैं वो भी बताएं? अच्छा, मैं तो वीटा फार्म का अपना सेटिवेट यूज़ कराता हूँ, पर अपना अगर यहाँ पे तो हर किसी के पास सेटिवेट यूज अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है। आप एक वेब्रामाइसिन का कैप्सूल पानी वाली डी में और 2 ml लाइसोवेट 1 ml जेटी बार ये आप 7 दिन यूज़ करें और साथ में कनेरी, सिर्फ कनेरी आपने मिक्स सीड में यूज़ कराने और कुछ भी यूज़ नहीं कराने, आपको 2 से 3 दिन बाद खुद पता लग जाएगा कि बर्ड के ड्रॉपिंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा दीदी, के भी आप ब्लूटूथ का बता रहे थे, ब्लूटूथ के सारे चेक यहाँ पे आपने जमा किए थे? जी, ये सारे ब्लूटूथ के चेक थे, क्रिमिनो टू क्रिमिनो से निकले, पॉसिबल ब्लूटूथ? जी, पॉसिबल ब्लूटूथ, क्रिमिनो टू क्रिमिनो से सारे निकले हुए। सही,
तो अभी इनके अभी पेयरिंग नहीं किया आपने? कुछ के पेयरिंग हो गए, कुछ के लिए मैंने बाहर से बर्ड परचेज किए जो उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, उनको तकरीबन कोई 10-15 दिन के बाद इंटर करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, तो इनकी पेयरिंग किसके साथ आप करेंगे तकरीबन? जी इनकी पेयरिंग किसके साथ करेंगे? इनके पेयरिंग में अगर रेड टू रेड है तो रेड के साथ भी करूंगा, अभी मैंने अल्बाइनो ब्लैक आइज के साथ इसके करने स्प्लिट रेड आई के, नॉर्मल अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट जी स्प्लिट रेड आई के साथ, तो उनसे कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से बर्ड पॉसिबल स्प्लिट ब्लू टू है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑफलाइन आपने जमा किए, नॉर्मल ऑफलाइन है स्प्लिट है किसी के? ये पॉसिबल अपना स्प्लिट पेल पेल उसके ऑफलाइन से, ये पॉसिबल स्प्लिट पेल पेल है जी जी ग्रीन ऑफलाइन। अच्छा क्या मेल फीमेल है? जी ये मेल फीमेल से ये, और ये सेल के आपके व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और पेयर है ग्रीन ऑफलाइन और स्प्लिट पेल फेलो, और इसके साथ ग्रीन यूरिंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, दोनों स्प्लिट पेल फेलोज हैं आपके पास। इसने जो विजुअल बच्चा भी निकाला है? जी मेरे पास इसमें से विजुअल बच्चा भी आया हुआ है ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, और पार इसमें से पार ब्लू भी आया हुआ है। बाकी जो भी कॉलोनी में ऑफलाइन लिखा है वो भी इसी के सेट है, जो वो भी इसी के ही सेट है। ठीक है, तो ये पेयर सेल का अगर किसी दोस्त को चाहिए हो जी आपके भी आपके व्यूवर्स के लिए मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है जी, माहिर इस पेयर ने विजुअल बच्चा भी निकाला है ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, बाकी जो नॉर्मल कॉलोनी के अंदर रखे हुए पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलोज हैं, और वो इसी के पेयर हैं सारे के सारे बच्चों के जी। और इनका जो एक रेशियो है वो 7-8 के दरमियान एक रेशियो है, 6-7 हो जाते हैं 8 तक चला जाता है, एक रेशियो भी अच्छा है बच्चों का। वो अपना फीड का जो इसकी मदर है वो बच्चों को बहुत खूबसूरत फीड कराते हैं। ठीक है, अभी जो आपको ग्रीन ऑफलाइन का पेड़ हमने दिखाया था जो कि स्प्लिट पेल फेल होते हैं, ये दोनों से सीखे हैं। आदिल का सेटअप था जो कि आपको पूरा सेटअप हमने दिखा दिया, जो भी बर्ड्स वगैरह लगे थे वो भी दिखा दिए, लेकिन सारे बर्ड्स तो नहीं दिखा सकते, जो जो बर्ड्स थे वो आपको दिखा दिए, नॉर्मली रादर कमर्शियल बर्ड थे, बाकी कुछ पेयर जो है पेल फेलोज वगैरह के। इंशाल्लाह जब ब्रीडिंग सीजन ऑन होगा फिर इस जो है सेटअप की एक और वीडियो बना लेंगे, और जो चिक्स वगैरह आएंगे किसी दोस्त को भी चाहिए तो इनसे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। धन्य आदिल भाई, आपको और कुछ कहना है एंड में? नहीं बस यही था, जो पूरा सेटअप था आपने कवर कर लिया, और आपके व्यूअर्स अभी बताएंगे कि इसमें से मजीद क्या इंप्रूवमेंट करनी है और उनको सेटअप कैसे लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर दें, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।